गोल्ड बाइल यार बिन पूछे ही कोई फिल्म रिलीज कर देता है, हिंदी में डब होने के बाद फिल्म में आ जाती है इस पर हमें पता भी नहीं चलता। जी हाँ, हाल फिलहाल में एक फिल्म जिसका नाम है नायक द हीरो 2, जिसकी स्टार कास्ट में आपको नजर आने वाले पुनीत राजकुमार, और ये फिल्म हिंदी में डब होकर आ चुकी है गोल्ड बाइल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और इसे देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप इसे देख न दे, अपना टाइम दे न दे, उसके लिए तो आपको मैं रिव्यू के साथ बना रहना होगा। मैं रुतराज हाजिर हूँ द नायक रियल हीरो 2, कुछ ऐसा ही नाम है इसका, यानी कि नायक द हीरो 2 का रिव्यू लेकर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। स्टार कास्ट में पुनीत राजकुमार नजर आएंगे, उन्हीं के ऊपर पूरी स्टोरी दिखा दी थी। अब स्टोरी है क्या वो भी आप सुन लीजिए। स्टोरी है, पुनीत राजकुमार एक ऐसा लड़का है जिसका भाई साहब साइन ले लिए, उनके रिश्तेदारों ने यानी उनके रिलेटिव्स ने एक साइन ले लिए, उनसे करवा लिया, उसने साइन कर दिया अनजाने में या जानबूझ के कैसे भी गए, लेकिन जो रिश्तेदार हैं उन्होंने गलत फायदा उठा लिया उस साइन का। और उन्होंने करा क्या, उसके साइन लेने के बाद उसकी पूरी की प्रॉपर्टी बेच दिया, यानी कि सारी प्रॉपर्टी बेच बाच के खा चुके हैं और मौज ले रहे हैं, ऐस कर रहे हैं। अब राजकुमार आ गया है और भाई अपना बदला लेगा अपने रिलेटिव से, उन्हें सबक सिखाएगा कि अपनों से धोखा नहीं करना चाहिए। और कैसे कैसे सबक सिखाता है, कैसे कैसे ट्विस्ट आते हैं, कैसी कॉमेडी एक्शन ड्रामा आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है, तो उसके लिए तो आपको गोल्ड माइन पे जाके ये फिल्म देखनी होगी। अब स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी तो काफी ज्यादा पुरानी है क्योंकि इसे खुद रिमेक किया गया है एक तमिल फिल्म से। जी हाँ, लेकिन फिर भी इसे देखने के बाद मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, जो इसके स्टोरी का प्रेजेंटिंग का तरीका था वो तो सेम ही रहा उसी स्टोरी की तरह, लेकिन आपको कहीं पर भी बोर नहीं करता। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपको ये फुल एंटरटेनमेंट देने वाली है और काफी ज्यादा इंप्रेस करेगी, वो भी स्टोरी ने नहीं कराया, लेकिन आप कह सकते हैं एक एवरेज फिल्म। जी हाँ, अगर वहीं इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले इसका फर्स्ट हाफ में हल्का फुल्का कॉमेडी पंचेस डायलॉग वगैरह ये सब देने के बाद आपको हल्का फुल्का तो बनाए रखेगा अपने साथ और बोर नहीं होने का, लेकिन सेकंड हाफ में आप काफी हद तक बोर हो सकते हो क्योंकि एंड में जाकर ये जो क्लाइमैक्स इसका दिखाया वहीं जाकर आपको फिल्म अच्छी लगती है, लेकिन सेकंड हाफ पूरा का पूरा आपको बोर भी कर सकता है। अब बात आ रही है कि भैया इसके अंदर जो BGM था वो भी ठीक ठाक था, हिंदी डबिंग की थी वो भी ठीक ठाक थी और जो सिनेमोग्राफी थी वो भी सही थी, लेकिन वहीं बात करें एक्टिंग की तो एक्टिंग में पुनीत राजकुमार ने तो भाई साहब अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और भी जो भी लोग थे उनकी सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब सबसे मेन क्वेश्चन, आप अपने परिवार के साथ देखें ना देखें देख सकते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा मेन क्वेश्चन है कि आप देखें ना देखें, अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा खाली टाइम है तो आप इस फिल्म को जाकर देख सकते हो क्योंकि भाई फ्री में मिल रही है, यूट्यूब के गोल्ड माइन ऑफिशियल पर पड़ी है। अगर आपके पास टाइम है, आप रात को थक हार के काम पे से आ रहे हो ना, थक हार के यानी जो भी है, तो आप इसे देख सकते हो और फ्री फायर में मिल रही है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, तो वहां जाके आप देख सकते हो एक ऐसी स्टोरी जो कि फैमिली ड्रामा एक्शन और कॉमेडी के कुछ तड़के भर के आपके अंदर डाल देगी और आपको ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा तो इम्प्रेस नहीं करेगी, लेकिन हाँ आपको एक अच्छी फिल्म देखने को मिल सकती है। तो मैं मिलता हूँ आपको इंस्टाग्राम पर, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लो, ठीक है, नीचे भी आ रहा है वैसे कोई खर्चा नहीं है, तो जब तक के लिए बाय।